में फर्स्ट आपको पानी ऑन कर लेना है, सेकंड आपने वहां से ऑन ऑफ की स्विच को ऑन कर लेना है, उसके बाद यहां से आपको ये डोर को ऐसा ओपन कर लेना है। डोर को ओपन करने के बाद कपड़े आपको इसके अंदर डाल देने, कपड़े जब भी डाले तभी आपको ये थोड़ा सा इसमें आपको ऐसे एरो दिखेगा, दिख रहा होगा, इसका मतलब ये कपड़े जो है उस एरो के बराबर ही हो या उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके 100% अगर है तो उसमें आपको 70% डालना है, 30% आपको खाली छोड़ना है। उसका रीजन क्या है कि अगर 30% खाली रहेगा तभी कपड़े एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होंगे और पानी और उसके साथ डिटर्जेंट ये सारी चीजें प्रॉपर से एक्शन कर पाएंगे। डालने के बाद आपको ऐसा बंद कर देना है, डोर आपको बंद हो जाएगा। डोर बंद करने के बाद आपको ये वाटर डिस्पेंसर को आपको ओपन करना है। इसमें आपके तीन चैम्बर है, एक आपका मेन वॉश है, एक प्री वॉश है, दूसरा आपका सॉफ्टनर है। जो नॉर्मली रोजमर्रा में आपको यूज करना है वो मेन वॉश यूज करना है इधर वाले में, दूसरा आपको तभी यूज करना जब यहाँ से एक आपका प्री वॉश का ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तभी आपको डिटर्जेंट इधर डालना, नहीं तो आपको इधर ही डालना है। इधर डाल के आपको बंद कर देना, और जब भी इसको आपको डिस्पेंसर वॉश करना है, क्लीन करना है, तो ऐसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा ओपन निकल जाएगा। इधर आपका ये वाला मेन वॉश का है, ये आपका प्री वॉश का है, इधर सॉफ्टनर डालना, इसको प्रेस करके आप बाहर निकाल सकते हैं। डालने के बाद आपको ये बंद कर देना है। डिटर्जेंट डालने के बाद आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद ये वाली ऑन ऑफ की जो बटन है, वन टाइम जैसे आप प्रेस करेंगे ये वॉशिंग मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद जो आपने कपड़े डाले हैं वो कपड़े जो है किस कैटेगरी के हैं, ये सारा आपका प्रोग्रामिंग के फंक्शन है। जो कपड़े आपने डाले उसमें से अगर नहीं पता आपने कपड़े कौन से डाले हैं, तो आपको सबसे सिंपल क्या, ऑन करके जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका कॉटन में आ जाएगा। और अगर उसके अलावा कपड़े को आपको अलग अलग कैटेगरी के कपड़े होते हैं तो उसके लिए आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट आपका कॉटन है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पर आपका कॉटन प्लस है, कॉटन के बड़े कपड़े, फिर आपका टर्बो आज 39 मिनट का पूरा प्रोग्राम है। इसमें जो है जैसे जैसे हम यहाँ चेंज करें आपको क्या क्या वॉशिंग मशीन करेगी, वॉश, रिंस एंड स्पिन, ये सारी चीज़ें आपको शो होगा। प्लस इसमें आपका इधर वाटर का टेम्परेचर, इसका आपका RPM, ये सारी चीज़ें आपका शो होगा। बट इसको भी आपको अगर लगता है कुछ आपको मैनिपुलेट करना है, कम ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको RPM इसका स्पीड कम करना है तो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से इसका RPM कर सकते हैं। टेम्परेचर बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट करेगा, आप इसको भी कम ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका इसमें तीसरे नंबर में आपका मिक्स फैब्रिक है, सारे कपड़े जो आपके मिक्स हैं उसके लिए। इसके बाद आपका इजी केयर है, और ये आपका साइलेंट वॉश है, और उसके नीचे आपका एलर्जी केयर है। एलर्जी केयर भी आपका यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जगह आपका बेबी केयर भी रहता है, जिसमें जैसे बच्चे, बीमार आदमी के कपड़े हैं, छोटे बच्चों के कपड़े जिसमें ज़्यादा बैक्टीरिया होती है, इसमें क्या होता है वाटर का टेम्परेचर आपका 60 डिग्री रहेगा। नॉर्मली आपका 40 डिग्री रहता है, 40 डिग्री 30 डिग्री रहता है, इसमें आपका ये रहेगा, पूरा ये आपका स्टीम साइकिल रहता है इसमें। ये तो आपका स्टीम से, बट इसमें आप स्टीम को आपको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। आपको लगता है इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आपको चाहिए, तो जैसे आपका ये स्टीम है, इसमें आपको चाहिए तो इसको आप स्टीम भी एक्टिवेट कर सकते हो, इसमें भी आप स्टीम एक्टिवेट कर सकते हो, इसमें भी आप स्टीम एक्टिवेट कर सकते हो। ये फंक्शन, ये एडिशनल स्टीम आप एक्टिवेट करो, इसमें आपका ऑलरेडी एक्टिवेट रहता है। बाकी ये वाला आपका जो डेलिकेट्स होता है, पार्टी वेयर के कपड़े के लिए हो गया आपका, ये आपका हैंड वॉश उलन कपड़े को हो गया, स्पोर्ट्स वेयर जो आपके नायलॉन के कपड़े हुए उसके कपड़े हुए, आपका स्पीड 14 है, जैसे आपका क्विक वॉच होता है ऐसा स्पीड 14 है, कम कपड़े हैं, 1 किलो 2 किलो हैं, तो आप 14 मिनट के अंदर इसमें पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बेडशीट चादर पिलो के लिए आपको ये वाला फंक्शन है। इसके बाद आपका यहाँ पे टक क्लीन है, जब भी आपने कपड़े इसके अंदर 1 महीने कंटिन्यू धुले हुए हैं तो उस टाइम पे आपको एक बार खाली ड्रम को इसमें अंदर डिस्केलिंग पाउडर डाल के खाली आपको चला देना है, तो उससे ड्रम अंदर से क्लीन रहेगा और आपके कपड़े में स्पॉट्स नहीं आएंगे। बाकी आपका डाउनलोड साइकिल में सिर्फ आपका कपड़े आपने बाहर धुले हुए हैं, सिर्फ इसमें आपको खंगालना और सुखाना है, तो ये आपका इसमें करेगा। बट इसके साथ साथ इसमें ये आपका, जैसे इसमें आप ये स्टीम ले सकते हैं, उसके साथ साथ आपको लगता है टर्बो वॉश भी चाहिए इन फंक्शन के साथ एडिशनल चीज़ें, तो टर्बो वॉश भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे प्री वॉश हमने बोला इसमें आपको डिटर्जेंट डालने के लिए, तो ये आपका प्री वॉश का फंक्शन, जब भी कपड़े बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगे रहते हैं उसके लिए आपका ये प्री वॉश है, तो इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी को आप जब भी कुछ टाइम तक प्रेस करेंगे, जैसे 3 सेकेंड, तो आपका इंटेंसिव जो होता है वो आपका प्री वॉश के साथ साथ यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रिंस है। जैसे दो बार, एक बार दो बार तो प्रोग्राम में खंगालता है, फिर आपको लगता है कि हमें और अच्छा खंगालना है, तो
इस वाली बटन को आप ऐसा कुछ सेकंड आप प्रेस करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा रिंस एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला। नॉर्मली अगर टर्बो वॉश चाहिए तो आपका टर्बो वॉश भी लग जाएगा। एक्स्ट्रा रिंस बंद करना है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। और जो फंक्शन आपको करना है यहाँ से, और कभी आपको सिर्फ कपड़े को सुखाना ही है, आपने बाहर धुल के रखा सिर्फ सुखाना ही है, तो यहाँ से आपको वॉशिंग मशीन को बंद कर देना है। ऑन करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ से स्पिन प्रेस करिए और यहाँ से स्टार्ट करिए। डायरेक्टली आपका वॉशिंग मशीन ना तो वॉश करेगा ना रिंस करेगा, डायरेक्ट आपका सुखाने का प्रोग्राम करेगा। इसके साथ एक और आपका फंक्शन है आपका ऐड आइटम। ये क्या होता है, जैसे नॉर्मली पहले कपड़े हम लोग डालने के बाद क्या होता है, मशीन चला दिए और उसके बाद हमें लाए एक दो कपड़े हम लोग भूल गए हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और हमें लगा कि हमने कपड़े या दो कपड़े हम भूल गए हैं कपड़े डालने के लिए, तो जब तक ये वाला आपका लाइट जो है इंडिकेट करता रहेगा तब तक हम इस डोर को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए हम जहाँ से ऐसे करेंगे तो आपका डोर ओपन होगा, फिर हमने कपड़े इसके अंदर डाल दिए, फिर बंद करके स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद ये नीचे का क्या है आपका, जब भी आपको कभी ऐसा कॉइन या कुछ गंदगी फंसी हो तो यहाँ से आपको मशीन को यहाँ से बंद करके इसको भी आपको क्लीन कर देना, जो कॉइन धागे रेसे आपको फंसे रहेंगे इसमें। और कभी आपके यहाँ लाइट चली गई, ये सारी कुछ हो, लाइट चला गया तो दिक्कत हो गई, तो इसको यहाँ से आप ओपन करके इमरजेंसी ड्रेन है पानी आप निकाल के फिर डोर को ओपन करके कपड़े आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोडिंग, उसमें वाइब्रेशन नॉइस ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं, अभी हम लोग इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमने वॉशिंग मशीन अभी इंस्टॉल किया लगाया और अभी ये जो अपना जो सबसे ज़्यादा फुल RPM है 1200 RPM पे ये चल रही, 12 मिनट का पूरा स्पिन का साइकिल होता है, जिसमें आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट बहुत टाइम खत्म है, 5 मिनट का साइकिल बचा हुआ है जिसमें आपका फुल स्पीड है, स्पीड पे वॉशिंग मशीन चल रही है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब भी हम लोग वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे सबसे बेसिक क्या चीज़ होती है, आपको जब इंस्टॉल करने के बाद इसको एक बार आपको मेज़र करना है लेबल मीटर से कि इसका लेबल बराबर है कि नहीं। अगर आपका लेबल बराबर नहीं है वॉशिंग मशीन का, तो जैसे आप कपड़े डालोगे मशीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, एक्सेस नॉइस रहेगी और बहुत ही जल्दी इसका जो इनर ड्रम है उसके अंदर प्ले आ जाएगा, इनर ड्रम खराब होगा, उसके साथ साथ आपकी बैरिंग खराब हो सकती है और उसके साथ साथ आउटर ड्रम भी खराब हो सकता है समय से पहले। तो इसके लिए जब भी आपकी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल करा रहे हैं, तो आप उसको श्योर रहिए कि जो आदमी वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल कर रहा है उसके पास प्रॉपर लेबल मीटर होना चाहिए और वॉशिंग मशीन को लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेबलिंग करने के बाद इस लेबल मीटर से आपको मेंटेन देखना है कि आपका वॉशिंग मशीन प्रॉपर तरह चारों तरफ से लेबल है कि नहीं। अगर लेबल रहेगा तो आपकी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल एकदम लेस नॉइस रहेगी, लेस वाइब्रेशन रहेगी और वॉशिंग मशीन आपकी बहुत स्मूथ चलेगी और उसकी जो लाइफ साइकिल रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वॉशिंग मशीन प्रॉपर तरीके से फ्रंट लोड अगर फिक्स रहेगी तो फिर वॉशिंग मशीन में आपका ड्रम से रिलेटेड कभी इशू जल्दी नहीं आएगा। और अगर आपकी वॉशिंग मशीन थोड़ी सी भी अनबैलेंस है, थोड़ा सा भी प्ले है, तो जब भी वॉशिंग मशीन चलेगी तो चलते 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 जो उसका रोटेशन है उसी हिसाब से होता रहेगा, जिससे कम समय में ही आपका ड्रम फेलियर हो सकता है और उसके साथ 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 आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो सकती है, वायरिंग ख़राब हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो जब भी आपकी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल हो रही है तो आपको ये चीज़ को नोट डाउन करना पड़ेगा कि जो मशीन को इंस्टॉल कर रहा है वो उसको प्रॉपर लेबलिंग चेक कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो अभी हमारी वॉशिंग मशीन जो है चल, जहाँ तक हमारा स्पिन का साइकिल खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।